हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, जिंदगी का ऐसा एक फलसफा जिसको जिसने भी समझ लिया उसने सही मायने में अपनी जिंदगी को जी लिया। आप हेल्दी रहे, फिट रहे, मुस्कुराते रहे, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप। और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी में हम हर रोज की तरह आज भी आपकी सेहत से जुड़ी किसी ना किसी एक समस्या पर बात करेंगे और आपको बताएंगे उसका आयुर्वेदिक समाधान। आज संजीवनी में हम बात करेंगे थ्रोट इन्फेक्शन की। भाई, रात के समय ठंडा होता है मौसम, दिन के समय में गर्मी होती है और इसी की वजह से वायरस का अटैक लगातार बढ़ रहा है, जिससे थ्रोट इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो आइए डॉक्टर प्रताप चौहान से ये जानते हैं कि क्या है थ्रोट इन्फेक्शन, क्यों होता है ये और कैसे इससे बचें। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे चीकू की ढेर सारी खूबियां। डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि आखिरकार थ्रोट इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे होता है और साथ ही साथ क्या ये गंभीर बीमारी है, ये भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं? देखिए, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार अगर हमको रोग के बारे में अगर मालूम ना हो अच्छी तरह से तो हम गलत इलाज करते रहते हैं, गलत प्रकार की दवाइयां खाते रहते हैं और रोग उससे और बढ़ जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि आम भाषा में कहें तो गले में खराश होना, गले में आपको खराश होती है, गले में कुछ थोड़ा सा जलन होती है, गला दुखता है, या आपको आवाज थोड़ी सी मुश्किल से निकलती है, जोर से बोलते हैं तो आवाज आने में मुश्किल होती है। कभी कभार ऐसा भी देखा होगा आपने कि खाना खाते समय खाना निगलते में आपको दर्द होता है, तो ये सब थ्रोट इन्फेक्शन के मेन लक्षण हैं। और इन लक्षणों को आपको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर इन्फेक्शन आपको है तो वो क्यों है, दूसरी चीज आपको समझनी क्या इसका कारण होता है। मेन जैसे कि अभी आपने कहा वायरस का जिक्र आपने किया, वायरस की वजह से अपने गले में इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया होते हैं कई प्रकार की उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और कभी कभार ये भी देखा गया है कि धुएं से, धूल मिट्टी से या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई खुशबू, जैसे कोई केमिकल है पेंट कहीं पर हो रहा है या कुछ और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स की खुशबू अगर आपके अंदर चली जाए उससे भी कई लोगों का गला खराब हो जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो कफ इसमें मेन है क्योंकि गले में बलगम होती है, और कभी कभार जब जलन होती है बहुत ज्यादा वहां पर सूजन हो जाती है, या कई लोग कहते हैं जी अंदर गले में कांटे से चुभ रहे हैं, बहुत तेज जलन हो रही है, तो पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट वहां पर देखने को मिलता है। तो कफ और पित्त दोनों इसके कारण हैं। आपने पूछा कि कितनी गंभीर है बीमारी, बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, अगर आप सही प्रकार से इसको समझें और उसका उपचार सही टाइम पर करें तो कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आराम से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर रोग को आप ठीक प्रकार से ना पहचाने और रोग बहुत पुराना हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस वहां पर हो जाते हैं, तब गंभीर भी बन सकती है। तो गंभीर ना बनने दें उसको, आज समझ लें अच्छी तरह से कि अगर थ्रोट इन्फेक्शन आपको होता है तो क्या करना चाहिए आपको, ये आपको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। एक दर्शक जुड़ गए हैं हैदराबाद से। सतीश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार जी डॉक्टर, मैं सतीश बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी। ये डॉक्टर, मेरे अक्सर क्या है मुँह में छाले रहते हैं। अच्छा जी, तो छाले कब, हमेशा रहते हैं या बीच बीच में ठीक हो जाते हैं? महीने में मतलब 10 दिन ठीक होंगे तो 20 दिन रहेंगे। और कब से चल रहे हैं ये छाले? ये 1-2 साल हो गया है। 1-2 साल। देखिए, छाले जब होते हैं मुंह में तो उसमें मूल रूप से जो कारण है वो पित्त का रोग, उसमें रोग कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार, कि शरीर में पित्त की वृद्धि हुई है, पेट में गर्मी है, पेट में जलन है, एसिडिटी अगर आपको होती है और आपको हिस्ट्री अगर रही है इन चीजों की तो फिर आपको पक्का पित्त का ही रोग है। और पित्त को शांत करने के लिए हमें बिल्कुल भी कोई पित्तवर्धक चीज नहीं खानी है, कोई भी मिर्च मसाला अचार खटाई चटनी या कोई एसिडिक फूड जिसको हम कहते हैं खट्टी चीजें जो है, बहुत ज्यादा मिर्च जिसमें डली हुई है, तीखी कोई चीज है, इनका बिल्कुल आप प्रयोग ना करें। कूलिंग चीजें लें, थोड़ी नारियल पानी लें, कच्चा नारियल खाएं या साथ में पानी केवल पिए आप, 2 लीटर के करीब पानी तो रोज पीना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप करेंगे तो पित्त आपके शरीर में शांत हो जाएगा, पित्त शांत होगा तो छाले नहीं होंगे। और जब छाले आपको होते हैं उस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, चमेली के पत्ते बहुत फायदा करते हैं, चमेली के पत्ते थोड़े से 4-5 आप धो करके और चबाएं उसको, तो चमेली के पत्तों में से जो रस निकलता है उसमें एक ऐसा गुण होता है कि वो छालों को ठीक करता है, या कहीं पर जख्म वगैरह हो उसको भी ठीक करता है, ये आप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें करने से आपके रोग दूर होते हैं, लेकिन गंभीर रोग है, पुराना हो गया है, 2 साल हो गए हैं, तो कुछ दवाई भी आयुर्वेद की लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई
परमानेंटली आपके कॉज को शरीर से बाहर निकालती है या उसको अंदर ही शरीर में बैलेंस करती है, जिसके बाद फिर आपका रोग बार बार वापस नहीं आता। आज हम बात कर रहे हैं थ्रोट इन्फेक्शन की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चल सके कि हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर साहब, हम कैसे जाने क्या सिम्टम्स हैं इसके? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जब गले में इन्फेक्शन होता है तो गला, हमने ये हमारा जो गला है यहाँ पर दर्द होगा, यहाँ पर जलन होगी, आपकी आवाज, जैसे कहते हैं गला बैठ गया है, कई बार कहते हैं मेरा गला बैठ गया, यानी कि आवाज आपकी निकलेगी नहीं, आप कोशिश करेंगे बोलने की लेकिन वो आवाज फट जाएगी आपकी, ये उसके लक्षण है। फिर शरीर में हल्का फुल्का आपको बुखार हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, आपके शरीर में थोड़ी जकड़ाहट हो सकती है, इसके अतिरिक्त खांसी भी इसमें एक लक्षण होता है, कई बार खांसी होने लगती है, और कभी कभार जब ज्यादा पुराना इन्फेक्शन हो जाए तो यही इन्फेक्शन थोड़ा नीचे अगर फेफड़ों में चला जाता है तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ये मुख्य लक्षण इसके हैं। सोर थ्रोट इसको आम भाषा में कह देते हैं डॉक्टर लोग, कि आपको सोर थ्रोट हो गया है, तो ये आपको समझना चाहिए और कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छी और साधारण सिंपल सी टिप्स हैं जो बताएंगे आपको कि अगर आपको सर्दी के मौसम से, गर्म सर्द खाना पीने से, कई बार क्या है ठंडा पी लिया, कभी बाहर धूप में से आए अंदर शरीर घर में आके ठंडा कुछ पी लिया, ऐसे भी गला खराब हो जाता है। और इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं वो वायरस बैक्टीरिया से भी होता है, आपके वातावरण में कोई ऐसी चीज है, तो इनको समझ करके आपको उसका जो है उपचार करना चाहिए। फरीदाबाद से राहुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं जब भी सोता हूँ ना उसके बाद सुबह उठूँ तो आँखों में ना मतलब ऐसे हो जाता है कि खुल नहीं पाती आँखें, काफी देर तक मेरी आँखों में दर्द रहता है। अच्छा। और आँखें बंद सी रहती है, खोलने की कोशिश करूँ तो कुछ मतलब उसमें चिपक सा जाता है। देखो, इसमें कई बार क्या होता है कि आंखों में कई प्रकार के इन्फेक्शन होने की वजह से ये स्थिति आती है, और सुबह जब आप उठते हैं तो आंखों में थोड़ा भारीपन रहेगा, दर्द रहेगा, चिपचिपाहट उसमें रहेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि त्रिफला आपके पास अगर है, साबुत त्रिफला, उसको मोटा मोटा सा कूट करके एक चम्मच त्रिफला एक गिलास पानी में रात को भिगो लीजिए आप, और उससे थोड़ी आंखें रात को भी धो के सोइए आप, और थोड़ा पानी बचा लो सुबह जब उठते हैं तो उससे आप आंखें धोएं तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो एक बार आंखों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनसे दिखा करके एक बार प्रॉपर इसका एक निर्णय निकालें कि क्या कारण हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई अंदर कोई गहरी चीज तो नहीं, आपकी आंख में कोई खराबी हो गई है, तो उसको चेकअप भी करा करके अपना एक उसका निर्णय जरूर लेना चाहिए। तो आयुर्वेद के छोटे छोटे उपाय अपनाइए और अपनी बीमारियों को दूर करने में एक सार्थक प्रयास कीजिए अपनी ओर से। जरूरत इस बात की है कि आप में आस्था हो, जो भी आप उपाय करते हैं पूरी आस्था के साथ कीजिए, उसके बाद देखिए कि किस तरह से आपको उसका सही परिणाम दिखाई देता है। आज हम बात कर रहे हैं थ्रोट इन्फेक्शन की। डॉक्टर साहब ने हमें ये बता दिया क्या होता है थ्रोट इन्फेक्शन, ये भी बता दिया कि इसके सिम्टम्स क्या है। चलिए अब जानते हैं यदि ये सिम्टम्स हमारे बच्चों में नजर आ रहे हैं तो कैसे उन्हें बचाएं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है बच्चे सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, कैसे अपने बच्चों को बचाएं? देखिए, उसका कारण है बच्चे जो मिट्टी उट्टी में खेलते रहते हैं, उनको सर्दी का पता नहीं होता, उनको नहीं मालूम होता कि कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी नहीं पड़ रही है। कई बार हम जो लापरवाही कर देते हैं, या बच्चे को हमने थोड़ा टोपी नहीं लगाई है, जुराब नहीं पहनाए, या बच्चे कई बार उतार के फेंक देते हैं, तो ये कारण उसके होते हैं बच्चों के। बार बार बच्चे, उनकी इम्यूनिटी बड़ी कमजोर होती है, छोटे बच्चे अभी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं बनी है, तो ये कारण है, इसलिए उनको थोड़ा दूर रखना चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए। साथ में कफ वर्धक भोजन उनको ज्यादा ना दें, मिठाई है बहुत खाते हैं, मिठाई कैंडीज बहुत खाते हैं बच्चे, चॉकलेट वगैरह बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें वो खाते हैं, उससे भी तुरंत उनको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और इसके साथ साथ जो है कई बार खाना खाने के पश्चात कोई वो मुंह को साफ नहीं करते हैं, तो वहां पर भी अगर खाने का कुछ अंश रहेगा तो वो इन्फेक्शन को इन्वाइट करेगा, मुख्य रूप से अगर मीठी चीज कोई खाई है तो। और अब क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है, एक अदरक का रस और शहद मिलाकर के आप बनाएं आपस में बराबर बराबर मात्रा में, अदरक का रस और शहद दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला के एक रख लें घर पे, और थोड़ा थोड़ा उनको दिन में दो तीन बार अगर आप पिलाएंगे तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बेंगलुरु से एक दर्शक जुड़ गए हैं, आशीष जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आशीष बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा अक्सर क्या है घुटने से नीचे जो पैर होते हैं उसमें काफी पेन रहता है। अच्छा जी, तो दो तीन साल से ऐसा हो रहा है, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। नहीं तो पैरों में दर्द होता है, आपकी पिंडलियों में दर्द होता है? हाँ, पिंडलियाँ जिन्हें कहते हैं घुटने से नीचे, उसमें घुटने से नीचे जो पिंडलियाँ हैं वहाँ पर दर्द होता है। हाँ जी हाँ जी। आपका पेट साफ होता है रोज? नहीं। हाँ जी हाँ जी, पेट साफ होता है। कब्ज तो नहीं रहती? नहीं जी।
ठीक है, देखिए पिंडलियों में दर्द के कारण कई होते हैं, कब्ज एक कारण होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। कई लोगों को अगर पेट साफ नहीं होता तो उनकी पिंडलियों में दर्द हुआ करता है। साथ में हमारे यहाँ आयुर्वेद में जब इस तरह का आप कोई रोग लेके आते हैं तो हमारा पहला जो ध्यान जाता है वो वात की तरफ जाता है। वात जो है अगर हमारे पिंडलियों में जाकर के वो रुक गई है, वहां जाकर के वो स्थापित हो गई है, स्थान संचय वहां हो गया है, तो फिर वहाँ पेन होता है। कई बार आपको वहाँ थोड़ा सा मालिश करने से रिलीफ मिलता है, कई लोग कपड़ा बांध के सो जाते हैं उसमें बड़ा टाइट सा, तो थोड़ा सा तिल के तेल से मालिश करें। वात वर्धक चीजें ना खाएं, बादी वाली चीजें जिसको हम कहते हैं उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा गैस बनाती है उनको कुछ दिन के लिए त्याग दें। और कभी कभार ये भी देखने में आया कि बहुत ज्यादा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दिन भर आपका काम खड़े रहने का है, पैदल ज्यादा चलना है, तो थकावट की वजह से भी आपको दर्द हो जाता है। उसके लिए रात को जब आप घर में आते हैं तो डिनर के बाद आराम से एक बाल्टी में गर्म पानी, थोड़ा नमक डाल के अपने पैर उसमें रखें, थोड़ा थोड़ा सा मालिश भी अपने हाथ से पैरों के ऊपर करें, तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। फिर भी अगर रोग आपका कठिन है और आपको लगता है कि ये इससे थोड़ी बात नहीं बनने वाली है, तो इसका उपचार आयुर्वेद में दवाइयों के द्वारा भी हम करते हैं। औषधि भी इसमें बहुत सारी हैं, औषधियों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। कोई भी रोग आपका हो, छोटे से छोटा रोग हो, तो दवाइयों की तरफ आपको जरूर अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दवाई जो है वो रोग के जड़ को बाहर निकालती है शरीर से। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं थ्रोट इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या है आयुर्वेदिक नुस्खे, क्या है आयुर्वेदिक समाधान। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए बहुत अच्छी चीज है, आपके घर में लहसुन होता है तो लहसुन की 3-4 बूंदें लें, जूस निकाल लें उसका, थोड़ा सा रस निकालें और 3-4 बूंद लहसुन का रस आधा कप गर्म पानी में घोल करके आप पिए। लहसुन में कई क्वालिटीज होती हैं जो इन्फेक्शन को नष्ट करती हैं, एंटी इन्फेक्शन उसको हम कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक, कई तरह की चीजें उसमें मिल जाती हैं, तो वो आपके गले को स्वस्थ करेगा। इसके साथ साथ बहुत सिंपल सी एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ कि गर्म पानी में नमक डाल करके उससे गरारे करें। ज्यादा अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेमेशन है तो नमक के साथ थोड़ी सी हल्दी भी डालें, गर्म पानी में सेंधा नमक और हल्दी डाल करके गरारे करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। कई बार जब गला खराब होता है तो बड़ी सुस्ती सी आती है, नींद आती रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, उसके लिए 1 चम्मच ताजा अदरक, 1 चम्मच साबुत धनिया, उसको थोड़ा सा रगड़ लीजिए, पीस लीजिए उसको, और 1 कप पानी उसको अच्छी तरह से उबालिए। उबल जाए जब अच्छी प्रकार से तो छान करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके गर्म गर्म पियेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त काली मिर्च, अदरक, लौंग और तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना करके अगर आप पियेंगे उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और सफेद प्याज का रस निकाल करके बराबर मात्रा में शहद मिला करके एक मिक्सचर बना लीजिए आप, और उसमें से 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पीने से भी आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ट्राई करके देखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि रोग आपका थोड़ा बढ़ गया है, एडवांस्ड है, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो सीधा एकदम से जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास भागें और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लें। नेचुरल चीजें ज्यादा प्रयोग करिए क्योंकि वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को वो मेंटेन रखती है। पहले तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई समस्या ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो। उसके बाद प्रयास ये होता है यदि रोग हो भी गया है, समस्या आ भी गई है, तो ऐसे में कैसे कोई खास बात या कुछ सावधानियां बरत के उनको दूर किया जा सके। डॉक्टर साहब, थ्रोट इन्फेक्शन हो ही गया है, बहुत कोशिश की है, तमाम प्रयास किए हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन अब जब ये बीमारी आई गई है तो कौन सी बातें ऐसी हैं, सावधानियां ऐसी हैं जो बरतने की जरूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार थ्रोट इन्फेक्शन लोगों को होता है, दवाई भी खा रहे होते हैं, एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, साथ में कहीं पराठे मिल गए तो पराठे भी खा लिए, ठंडा पानी, मिठाई भी खा लिया, ठंडा पानी भी पी लिया, चिकनाई वाली चीज भी खा ली, तो ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सावधानी, आपको ये सबसे बड़ी सावधानी है कि अपने खान पान में आपको जरूर परहेज करना है। कोशिश करिए कि ऐसी चीजों का सेवन करें जो उष्णवीर्य मतलब गर्म हो, थोड़ी सी वो हल्की हो, सुपाच्य हो, और विशेष रूप से दूध से बनी चीजें, मिठाई, तली हुई चीजें और ठंडी चीजें, इनका परहेज बिल्कुल आपको करना चाहिए। डॉक्टर साहब अब आपको बताने वाले हैं चीकू की ढेर सारी खूबियां। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या है आज के डॉक्टर टिप्स। डॉक्टर साहब, चीकू की बात करें तो बहुत ही बढ़िया फल है, मीठा होता है, बढ़िया है, सुपाच्य होता है, और क्या खूबी है इसकी? सबसे पहले तो सुपाच्य आपने कहा, तो सुपाच्य है
एनर्जी है काफी इसके अंदर। तो जो लोग कमजोर होते हैं, खासतौर पे देखा होगा आपने, जब लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको चीकू खाने के लिए बोलते हैं, पपीता खाने को बोलते हैं। तो चीकू इसलिए बोलते हैं कि उसमें एनर्जी भी है और सुपाच्य है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, तो खाना चाहिए। चीकू के अंदर विटामिन ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है, आपका मतलब आपकी आंखों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त फाइबर भी इसमें काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जो लोगों को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन से जो पीड़ित हैं, वो भी चीकू का सेवन करें। आज हमने खांसी की बात की, गले खराब की बात की, तो जिन लोगों का गला खराब रहता है, चीकू के पत्ते अगर मिल जाएं आपको, चीकू के पत्तों का काढ़ा बना करके आप उससे गरारे करें या उसको थोड़ा पिए, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा जो है, चीकू के अंदर एक गुण और पाया जाता है कि ये हमारे यूरिन की फॉर्मेशन में सहायता करता है, यूरिन को साफ करने में काफी लाभदायक है। डायूरेटिक इसको बोलते हैं, मूत्रल इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको पेशाब कम आता है, रुक करके आता है, थोड़ा सा आपको अगर कोई पथरी की शिकायत बताई डॉक्टर ने, तो भी आप चीकू का सेवन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।